हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए भारत की इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में वीडियो लेकर आए हैं। यह भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और सबसे ज़्यादा फेमस भी है, और इसका नाम आप सभी ने सुना होगा। यह है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम CBI के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर CBI का एस्टेब्लिशमेंट भारत में क्यों किया गया था, यहाँ पर क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि CBI के द्वारा फॉलो अप की जाती हैं, क्या फंक्शंस हैं CBI के, किस तरीके से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, यहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट क्यों किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, यहाँ कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट्स हैं यानी कि संशोधन हैं जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए किए गए हैं। तो यहाँ सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आप किसी और एजुकेशनल या फिर इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और इसी तरीके से बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट के साथ। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है क्या। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में सिर्फ लोगों को यही नॉलेज होता है कि ये एक क्राइम ब्रांच है या फिर ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सो यस, CBI इज द प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी इन इंडिया। यहाँ पर जो CBI है ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो है ही इंडिया की। इट फंक्शंस अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द डेप्ट ऑफ पर्सनल्स मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स पेंशन एंड पब्लिक ग्रेवेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच फॉल्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इसका जो फंक्शन है ये सुपरिंटेंडेंस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन्स पेंशन्स पब्लिक ग्रेवेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सभी के अंडर में ये वर्क करता है। और ये जो मेनली किसके अंडर फॉल करता है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर CBI वर्क करता है। However, for investigations of offence under the Prevention of Corruption Act, its superintendence vests with the Central Vigilance Commission. यहाँ पर जब investigation of offence under the Prevention of Corruption Act, यहाँ पर जो Corruption Act है, तो उसके लिए यहाँ पर Central Vigilance Commission work करता है। CBI भी इस पे work करता है, करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, यानी कि करप्शन को रोकने के लिए यहाँ जो एक्ट लाया गया है उस पर CBI वर्क करता है। और उसका सुपरिंटेंडेंस बेस्ट कौन होता है उसके साथ? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इट इज आल्सो द नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया। ये यहाँ पर जो पुलिस एजेंसी है, तो ये नोडल पुलिस एजेंसी है भारत की CBI, जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करती है ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। यहाँ पर इंटरपोल मेंबर ऑफ कंट्रीज के बिहाफ में ये CBI जो है ये एक नोडल पुलिस एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करती है। इट्स अ इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसी। इट्स कन्विक्शन रेट इज हाई एज 65-70% एंड इट इज कंपेरेबल टू द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन द वर्ल्ड। यहाँ पर इसका जो कन्विक्शन रेट है, कन्विक्शन रेट किस तरीके से दिया जाता है, यहाँ पर उन एजेंसीज के परफॉर्मेंस को देखते हुए ये रेट दिया जाता है। तो यहाँ पर जो भारत की CBI है उसका जो कन्विक्शन रेट है वो 65-70% है, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रही है हर मामले में, और इसीलिए ये बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है पूरे विश्व में। तो यहाँ पर CBI क्या था ये आपको समझ आया होगा। अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से CBI का एस्टेब्लिशमेंट भारत में किया गया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड, अ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1941 इन अ डिपार्टमेंट ऑफ वार ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पर जब विश्व युद्ध द्वितीय चल रहा था उस टाइम पर स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1941 में डिपार्टमेंट ऑफ वार ऑफ द ब्रिटिश इंडिया के अंडर।
लेटर ऑन इट वॉज फॉर्मलाइज्ड एज एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आगे चलकर इसको क्या किया गया था, इसको फॉर्मलाइज्ड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी के तौर पर, जो कि इन्वेस्टिगेट करती है एलिगेशंस ऑफ करप्शन इन वेरियस वे, यानी कि करप्शन के मामलों को या फिर और भी कई मामलों पर इन्वेस्टिगेट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बाय एनेक्टिंग द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946. यहाँ पर जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 था उसके तहत CBI derives power to investigate from the Delhi Special Police Establishment Act 1946. इसके बाद यहाँ पर ये जो Special Police Establishment Act था, इससे power किसने ले लिया? CBI ने ले लिया, और CBI investigate करता है इस पे Delhi Special Police Establishment Act 1946 के तहत. ये power किसको दिया गया? CBI को. And in 1963, the CBI was established by the Government of India. और 1963 में ऑफिशियली यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को एस्टेब्लिशमेंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा विद द व्यू टू इन्वेस्टिगेट सीरियस क्राइम रिलेटेड टू डिफेंस ऑफ इंडिया. इसका उद्देश्य क्या था सीबीआई को एस्टेब्लिश करना? सीबीआई को एस्टेब्लिश करने का उद्देश्य ये था कि ये इन्वेस्टिगेट करे उन सीरियस क्राइम रिलेटेड मैटर्स पर, जैसे कि करप्शन है. करप्शन बहुत ही ज्यादा हाई प्लेसेस पर जा रहा है, फ्रॉड आजकल बहुत हो रहे हैं, चीटिंग्स एंड एम्बेसमेंट सोशल क्राइम हो रहे हैं, पर्टिकुलरली ऑफ होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग. ब्लैक मार्केटिंग सभी ने सुना होगा, ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉफिटरिंग इन एसेंशियल कमोडिटीज, ये सभी कुछ भारत में बढ़ रहा है. तो इन सब मामलों को रोकने, उन पे इन्वेस्टिगेशन करने, उन पे जाँच करने और उसकी तह तक पहुँचने और जो एक्चुअल में क्रिमिनल्स हैं या विक्टिम्स हैं उनका पता लगाने, तो यहाँ पर इस एजेंसी का उद्देश्य यही था, एस्टेब्लिशमेंट का उद्देश्य भी यही था. विद द पैसेज ऑफ टाइम सीबीआई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशंस इन कन्वेंशनल क्राइम्स लाइक एसोसिएशंस, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, क्राइम्स कमिटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट एक्सेट्रा. धीरे धीरे कर यहाँ सीबीआई ने यहाँ डेवलपमेंट किया, और ना सिर्फ करप्शन या फिर फ्रॉड जैसे मामले, बल्कि बहुत से ऐसे क्राइम्स जिनके बारे में पता लगाना मुश्किल होता है उन पर सीबीआई वर्क करने लगी, जैसे कि किडनैपिंग है, हाईजैकिंग है, और कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर कोई पॉलिटिशियन है फेमस जिनकी ऐसे अचानक से डेथ हो जाती है या फिर किसी दूसरी कंट्री में हो जाती है, तो उस मामले पर इन्वेस्टिगेशन करना कि ये किस तरीके से की गई है, कहीं ये कोई टेररिज्म अटैक तो नहीं था, तो इन सभी चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन करना भी सीबीआई का काम है. केसेस हैंडल्ड बाय सीबीआई. अब यहाँ पर कौन कौन से मेन ऐसे केसेस हैं जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा हैंडल किए जाते हैं? तो सबसे पहला एंटी करप्शन क्राइम्स. फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स एंड द एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग करप्शन ऑफ बॉडी. यहाँ पर उन केसेस पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है पब्लिक ऑफिशियल्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे कोई कॉरपोरेशन हो जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कर रहा है, उसमें किसी भी तरह का अगर कोई करप्शन का मामला सामने आता है तो उस पर एंटी करप्शन क्राइम पर सीबीआई वर्क करता है और ऐसे केसेस को हैंडल करता है. इकोनॉमिक क्राइम्स फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेजर फाइनेंशियल स्कैम. अगर कोई फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिक स्कैम होते हैं उन पर भी यहाँ पर सीबीआई वर्क करता है, जैसे कि इकोनॉमिक फ्रॉड है, फेक इंडियन करेंसी नोट. कई बार ये भी सुनने में आया है कि नकली करेंसी भारत की बेची जा रही है, तो वो भी एक तरह का इकोनॉमिक क्राइम है. बैंक फ्रॉड, साइबर क्राइम. साइबर क्राइम के बारे में आपने सुना होगा, बैंक फ्रॉड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज ऑफ वायलेशंस, लार्ज स्केल ऑफ स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स. यहाँ पर जो स्मगलिंग की जाती है ऐसे कॉन्ट्रोबैंड आइटम्स की जो कि बैन किए गए हैं, बट यस उनको फिर भी यहाँ पर उनकी स्मगलिंग की जा रही है, उस पर उस केसेस को हैंडल करता है सीबीआई. कुछ स्पेशल केस भी होते हैं, जैसे कि फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर इंडियन पेनल कोड. यहाँ पे आईपीसी सुना होगा आपने, आईपीसी धारा सुनी होगी. तो यहाँ पे उन आईपीसी की धारा के तहत ऐसे भी कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैं जिन पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है. अदर लॉज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इन सभी पर काम सीबीआई कब करता है? या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है. केसेस जैसे कि टेररिज्म है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है कहीं, किडनैपिंग हुई है, रैंसम अटैक हुआ है, रैंसम अटैक साइबर अटैक
क्राइम कमिटेड बाय द माफिया एंड द अंडरवर्ल्ड. तो इस तरह के जो टेररिज्म रिलेटेड है, बॉम्ब ब्लास्टिंग है, किडनैपिंग है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल चीजें नहीं है, ये सब कुछ अब नॉर्मल चीजें हैं और बहुत ही ज्यादा सीरियस क्राइम्स हैं, तो इन पर आईपीसी की धारा के तहत यहाँ पर वर्क करती है सीबीआई. और ये तभी करती है जब स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये उन्हें ऑर्डर जारी करता है, तभी इस पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है. सीयूमोटो केसेस, सीबीआई कैन सीयूमोटो टेक अप इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ऑफेंस ओनली इन द यूनियन टेरिटरी. ये सीयूमोटो केसेस क्या है? ये इन पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरी, ये यूटीज के लिए होता है. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम इन अ स्टेट बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट. यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई को ये अथॉरिटी दी है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है किसी भी क्राइम पर सिर्फ तभी कर सकती है जब उसे स्टेट गवर्नमेंट ये ऑर्डर देती है तब. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हाउएवर कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट. लेकिन अगर राज्य सरकार सीबीआई को ये अथॉरिटी नहीं दे रही है इन्वेस्टिगेशन करने की, तब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसी कोई अथॉरिटी अगर सीबीआई को देती है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है हमारे देश के किसी भी हिस्से में, तो उसे किसी राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी. दिस इज एक्चुअली अ सीयूमोटो केसेस. इसके बाद बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ सीबीआई. अब सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं वो कौन होते हैं? तो डायरेक्टर सीबीआई इज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. यहाँ पर जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं उन्हें सीबीआई के डायरेक्टर कहा जाता है. Delhi Special Police Establishment is responsible for the administration of the organization. जैसे कि हमने Special Police Establishment की बात की थी, ये कब हुआ था establishment? ये Britishers के time हुआ था. उसके बाद आगे चलकर इसको modify करके Delhi Special Police Establishment किया कहा गया. तो यहाँ पर CBI की पूरी responsibility और administration की पूरी responsibility कौन manage करता है? Delhi Special Police Establishment करता है. Till 2014, the CBI director was appointed on the basis of DSP Act 1946. यहाँ पर 2014 तक जो CBI director थे वो किस तरीके से appoint किए जाते थे? यहाँ पर जो Delhi Special Police Establishment Act 1946 है, उसी के तहत यहाँ पर CBI directors को appoint किया जाता था. In 2003, DSP Act was revised on Supreme Court recommendation in the Vineet Narayan case. A committee that had member from Central Vigilance Commission, secretaries from Home Ministry, Ministry of Personnel, Public Relations would send recommendation to central government for the appointment of CBI director. यहाँ पर 2003 में DSP Act के दौरान Supreme Court ने ये recommendation की थी विनीत नारायण केस के तहत कि यहाँ पर जो और उसमें कौन कौन मेंबर था? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेक्रेटरी फ्रॉम होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेविलेंस, इन सभी ने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन भेजी थी कि वो यहाँ पर कुछ बदलाव करे सीबीआई डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट पर. इन 2014 द लोकपाल एक्ट प्रोवाइडेड अ कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर. इसके बाद 2014 तक जो अपॉइंटमेंट होती थी सीबीआई डायरेक्टर्स की वो डीएसपी के बेसिस पर ही होती थी. लेकिन 2014 के बाद जो लोकपाल एक्ट प्रोवाइड यहाँ पर लोकपाल एक्ट प्रोवाइडेड अ कमिटी, लोकपाल एक्ट के तहत यहाँ पर एक कमिटी बनाई गई थी सीबीआई डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए. और उस कमिटी में कौन कौन था? कमिटी के हेड थे प्राइम मिनिस्टर, अदर मेंबर्स लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, होम मिनिस्ट्री सैंडलिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स टू डीओपीटी, देन द डीओपीटी प्रेस द फाइनल लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एंटी करप्शन केसेस एंड सेंड इट टू द कमिटी. यहाँ पर होम मिनिस्ट्री क्या करते हैं? होम मिनिस्ट्री एक लिस्ट जारी करते हैं उन कैंडिडेट्स की जो कि यहाँ पर एप्लीकेबल हैं सीबीआई के डायरेक्टर बनने के लिए, और किस बेसिस पर? उनकी सीनियरिटी देखते हैं, उनकी इंटीग्रिटी देखते हैं, उनका एक्सपीरियंस देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन और जो एंटी करप्शन केसेस उन्होंने हैंडल किए हुए हैं उसमें उनका एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस क्या रही है. उस बेसिस पे ही यहाँ लोगों को, एलिजिबल कैंडिडेट्स को चुना जाता है और उनके नाम डिपार्टमेंट या फिर कमेटी को भेजे जाते हैं. उस कमेटी में हमने देखा कि जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और अदर मेंबर्स भी, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, सो ये सभी मेंबर्स रहते हैं और इसी बेसिस पर यह चुनाव किए जाते हैं.
डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज बीन अपॉइंट प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2 ईयर टेन्योर बाय द सीवीसी एक्ट 2003। यहाँ पर जो डायरेक्टर होते हैं सीबीआई के, उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है सिक्योरिटी ऑफ 2 ईयर टेन्योर। यहाँ पे उनका जो कार्यकाल रहता है 2 साल का टेन्योर होता है। 2 ईयर टेन्योर में उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है सीवीसी एक्ट 2003 के तहत, सिक्योरिटी ऑफ 2 ईयर टेन्योर उन्हें प्रोवाइड की जाती है सीबीआई डायरेक्टर। तो यहाँ पर हमने काफी कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि सीबीआई से रिलेटेड कवर की है कि हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, यहाँ पर किस तरीके से और कब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, यहाँ पर डीएसपी एक्ट 1946 ये क्या है, किस तरीके से यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को अपॉइंट किया जाता है, सीबीआई से रिलेटेड बाकी इंफॉर्मेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का प्रोसीजर यहाँ पर क्या है वो तो हमने थोड़ा सा जान ही लिया है ब्रीफ में, से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सीबीआई के क्या फंक्शंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या अथॉरिटीज हैं। हमने ये तो देख ही लिया कि कौन कौन से केसेस होते हैं जो कि सीबीआई द्वारा हैंडल किए जाते हैं, बाकी इसके फंक्शंस भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।